नमस्कार दोस्तों, आपने दुबई का नाम सुना है तो बहुत सारा भाई है जो दुबई जाना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं इसलिए बनाया, कैसे आप दुबई में जाके एक नौकरी ढूंढ सकते हो, कैसे आप दुबई जा सकते हो विदाउट एनी एजेंट, आप कैसे दुबई में जा सकते हो, उसके बाद दुबई जाने के बाद आपका कैसे जॉब मिल सकता है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताया। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो अब्रॉड के लिए डालता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को ऑन कर दो। सबसे पहले अगर आपको दुबई जाना है तो तीन तरीका होता है। सबसे नंबर वन पे जो है आपको एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। एक टूरिस्ट वीज़ा क्या है, आपको एज ए टूरिस्ट मतलब आप दुबई घूमने के लिए जा रहे हो, ऐसे कुछ एक वीज़ा निकालना पड़ेगा, वो वीज़ा से आप दुबई जा सकते हो। दूसरा जो है जॉब सीकर वीज़ा, ये वीज़ा डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप जॉब ढूंढने के लिए ही दुबई जा रहे हो, ऐसे आप जा सकते हो। और नंबर थ्री पे जो है डायरेक्ट इधर से आप अप्लाई करके एज ए एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आप जा सकते हो। ये तीन तरीका होता है आपको दुबई जाने का। सबसे ईजी जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप दुबई में जा रहे हो एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको ईजिली जॉब मिल सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहता हूँ कैसे आपको जॉब मिल सकता है टूरिस्ट वीज़ा में जाके। सबसे पहले एज ए भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आपको बताना चाहते हो, अगर आप इंडिया पे, नेपाल पे या बांग्लादेश पे किसी कंट्री में काम कर रहे हो, अगर आपका सैलरी 15,000 से 20,000 के आसपास है तो आप दुबई मत जाओ। ये मैं आपको ऐसे भाई के नाते बोल रहा हूँ, क्योंकि उधर का जो आप सोच रहे हो दुबई बहुत अच्छी जगह है, सब जाना चाहता है, लेकिन उधर का जो आपका लाइफस्टाइल है अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इधर का सब छोड़ के जे भाई, जो जो भाई दुबई में अभी काम कर रहा है, उन लोगों को पता है कैसा दिक्कत का सामना आपको करने वाला हो सकता है। तो अगर आप इधर अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हो तो दुबई मत जाओ। अगर आपका सैलरी बहुत कम है तो आप ट्राई कर सकते हो दुबई के लिए। तो अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टूरिस्ट वीज़ा एक बनाना पड़ेगा दुबई के लिए। आप टूरिस्ट वीज़ा इजीली आपको मिल जाता है दुबई के लिए, बहुत सारा आदमी दुबई में घूमने के लिए जाता है, तो टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मल चीज़ होता है, आप टूरिस्ट वीज़ा ले लो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिधर रुके हो, जिस जगह पे आप रह मतलब हो अभी, टूरिस्ट वीज़ा लेके आप दुबई में किसी जगह पे हो, तो उसके नज़दीक में जो कंपनी वगैरह है, जो जिसमें आपको लिखा है जॉब चाहिए, जो नोटिस दिया हुआ है, उन जगह पे आपको सीवी लेके जाना पड़ेगा, उन लोगों से बात करना पड़ेगा जो आपको जॉब चाहिए। 90% जो आदमी होता है उसको जिधर आप रह रहे हो उसके आसपास ही नौकरी मिल जाता है, क्योंकि देखो दुबई में ऑलवेज वैकेंसी रहता है किसी भी पोजिशन से। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हो, अगर आप किसी दूसरे पोजीशन के लिए काम के लिए जा रहे हो लेकिन आपको वो काम नहीं मिल रहा है, आपको जो भी काम मिल रहा है वो काम आप पहले पकड़ लो, वो काम करने के बाद आप ट्राई करो दूसरे अच्छी काम के लिए। पहले आपको किसी भी काम पकड़ना है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप किसी भी काम पहले पकड़ लो, उसके बाद आप थोड़ा टाइम लो और ढूंढो काम, उसके बाद जॉब चेंज करके आप दूसरी कंपनी में जाओ, लेकिन पहले आपको किसी भी एक कंपनी में जॉब करना है, ये आपको सोच के काम ढूंढना है, तो ऐसे आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा जो सिस्टम है जॉब मिलने के लिए, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा जिसमें आपको दुबई में रह के जॉब ढूंढने के लिए सुविधाएं होगा जो मिल सकता है आपको। और जो थर्ड पॉइंट है आपका डायरेक्ट अप्लाई, डायरेक्ट अप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो सीवी है वो आपको प्रॉपर और अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुबई के लिए जो सीवी होता है उसमें कुछ की पॉइंट्स रहता है, जो की पॉइंट्स आपको सीवी में रहना जरूरी है, कुछ वर्ड है जो वर्ड आपकी सीवी में रहना जरूरी है, उस हिसाब से आपको लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा सीवी एवरी डे अप्लाई होता है तो चांसेस बहुत कम रहता है, तो आपको वो कीवर्ड रहना पड़ेगा, जो कीवर्ड
जो रिक्रूटर है वो ढूंढ रहे, वो कीवर्ड अगर आपके सीवी में है थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है आपका जॉब मिलने के लिए। तो सीवी अगर अभी तक आप लोग नहीं बनाया तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या आप अगर बना सकते हो दूसरे किसी जगह से उधर से भी बना सकते हो। सीवी कैसा होता है मैं आपको ऑलवेज वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, सीवी देखते हो आप लोग कैसे सीवी होता है, ऐसे टाइप का रिज्यूमे आपको बनाना है। आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हो, नीचे नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपके पास ऐसे टाइप का रिज्यूमे नहीं है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको चीप प्राइस में मैं आपको रिज्यूमे प्रोवाइड करूँगा। तो ये है दूसरा एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप दुबई में जाके एक जॉब ढूंढ सकते हो। तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ आप डायरेक्ट अप्लाई करके जाओ, दुबई में जाओ, क्योंकि किसी की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके अप्लाई करके आप जा सकते हो। नेक्स्ट जो एक प्रोसेस है, आप दुबई में चला गया टूरिस्ट वीज़ा में, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड जो प्रोसेस है, आपको दुबई में बहुत सारा कंसल्टेंसी मिल जाएगा जो आपको जॉब प्रोवाइड करता है। बहुत सारा ऐसी कंसल्टेंसी है, आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हो, ऐसी टाइप का कंसल्टेंसी आपको दुबई में अवेलेबल मिलता है। अगर लास्ट में आपको किसी जगह पे जॉब नहीं मिल रहा है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये कंसल्टेंसी में बात कर सकते हो, बात करके आपको थोड़ा समझ के आपको पैसा देना है, बहुत चीप प्राइस लेता है लेकिन आपको नौकरी ये लोग प्रोवाइड कर देता है। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोगों की कमेंट की वजह से, एक लाइक की वजह से बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।